साई राम। आज हम बाबा के एक भक्त डिंपल जी के अनुभव के बारे में जानेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार बाबा ने उनकी माँ की रक्षा की। हेतल जी लिखती हैं, मुझे बाबा के भक्त डिंपल जी का ईमेल आया है, मैं इसे आप सभी के लिए पोस्ट कर रही हूँ। उनका अनुभव इस प्रकार है। डिंपल जी ने लिखा है, नमस्ते, साईं बाबा को जब भी मैंने याद किया वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। पिछले साल मेरी माँ बीमार थी और डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी माँ का हेमोग्लोबिन 8 पर था और डॉक्टर ने कहा कि वह उनका ऑपरेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हेमोग्लोबिन न्यूनतम जो कि 11 से 13 तक नहीं पहुँच जाता। मैं साईं बाबा से हमेशा प्रार्थना करती रही थी और उन्होंने हमेशा मुझे सब कुछ दिया है। इस बार भी मैंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना करी और गुरुवार को ही मेरे भाई का फोन आ गया। उसने कहा कि अब माँ ठीक है और उनका हेमोग्लोबिन 1 हफ्ते के भीतर ही 13 पर आ गया है। उनका ऑपरेशन भी गुरुवार को सफलतापूर्वक हो गया। शिरडी के साईं बाबा मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, बल्कि वो मेरे सब कुछ हैं। उन्होंने मेरा सपना पूरा कर दिया और यह भी साबित किया कि उनके भक्त शिरडी से चाहे कितनी भी दूर रहते हो, वह हमेशा अपने भक्तों की देखभाल और सहायता करते रहते हैं। धन्यवाद। ओम साई राम। Please visit our blog video.saiyognetwork.com. For experiences, please visit shirdisaibabaexperiences.org. For stories, please visit shirdisaibabastories.org. For bhajans, please visit shirdisaibabhajans.com. For our Hindi blog, please visit hindiblog.saiyognetwork.com. For submitting your experiences or prayers, please visit summit.saiyognetwork.com. For more details, please visit our website saiyognetwork.com. Please check, we have shared all links in comment sections here as well.